Hello friends, Arvind here. Today we are going to discuss why a person should prepare for GATE. Actually, topic sirf ye nahi hai ki why a person should prepare for GATE. दोस्तों गेट में कंपटीशन लेवल हर साल बढ़ रहा है. कंपटीशन लेवल हर साल बढ़ रहा है इसका मतलब यह है कि गेट के बारे में अवेयरनेस हर साल बढ़ रही है. लेकिन गेट के बारे में जो अवेयरनेस अभी भी है वो बहुत ही लिमिटेड अवेयरनेस है. गेट के बारे में क्या अवेयरनेस है? गेट के बारे में अवेयरनेस है कि हमको गेट क्वालिफाई करना है ताकि हमको IIT पहुंच सके. हमको गेट क्वालिफाई करना है ताकि हमारा PSU IOCL NTPC में सिलेक्शन हो. लेकिन दोस्तों जब आप सिर्फ इन दो बातों को ध्यान में रखकर गेट की तैयारी करते हो तो आप सिर्फ एक गेट के पेपर को लाइफ एंड डेथ का इशू बना देते हो. और जब इस वे में आप प्रिपरेशन करते हो तो आप नेगेटिव प्रिपरेशन कर रहे हो. आपकी एनर्जी जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है. दोस्तों आज लेक्चर में मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है आपको ये बताना कि गेट से हम क्या क्या चीजें ऑब्टेन कर सकते हैं. गेट क्वालिफाई करके नहीं, गेट क्वालिफाई करके तो हम जानते हैं कि हम IIT में प्लेस हो जाएंगे, हम PSU में प्लेस हो जाएंगे. लेकिन जब आप इन दो चीजों को ध्यान में रखकर प्रिपरेशन करते हो तो इन दैट कंडीशन आप सिर्फ एक पेपर के लिए तैयारी करो. यू आर नॉट इंजॉइंग द प्रिपरेशन. और यदि आप प्रिपरेशन को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, यदि आप प्रिपरेशन को एंजॉय नहीं कर रहे हैं दोस्तों तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी भी आपकी कम हो जाती है. हमको ब्रॉड वे में यह समझना पड़ेगा कि व्हाई अ पर्सन शुड प्रिपेयर फॉर गेट. आफ्टर क्वालिफिकेशन उसको क्या मिलेगा वो तो हम जानते हैं, लेकिन प्रिपरेशन करके उसको क्या बेनिफिट मिलेंगे और गेट क्वालिफाई करके क्या बेनिफिट मिलेंगे, वो दोनों बेनिफिट मैं आज आपके सामने यहां पर डिस्कस करता हूं. Most common thing why a person should prepare for GATE, we know that by preparing for the GATE, by qualifying in GATE, you can obtain the admission in IITs and ISCs. That point everybody knows. अगर आप IIT में admission लेते हो, first point से मैं start करता हूँ. अगर आप IIT में admission लेते हो तो IIT में admission लेने के बाद मेरे पास क्या क्या opportunity है वो भी हमको जाननी पड़ेगी. हमारा अवेयरनेस अभी भी लिमिटेड है इस पॉइंट पे कि हम IIT का एडमिशन लेते हैं तो फिर हमको प्लेसमेंट हो जाएगा, हमको एक जॉब मिल जाएगी. करेक्ट है, मोस्टली हमारा सारा एम जो है वो अल्टीमेटली जॉब पे होता है. लेकिन जॉब के बियॉन्ड भी कुछ होता है, आपको वहां पर भी सोचना पड़ेगा. ठीक है, फर्स्ट थिंग इफ यू गो इन IIT आपका प्लेसमेंट हो जाएगा टॉप कंपनीज में. गूगल में आप प्लेस हो सकते हो, फेसबुक में आप प्लेस हो सकते हो, जी में आप प्लेस हो सकते हो. जो भी आप बिगर ब्रांड की बात करते हो किसी भी बिगर ब्रांड में आप प्लेस हो सकते हो अगर आप IIT ISC जाते हो, NIT जाते हो. लेकिन व्हाट अबाउट द प्लेसमेंट? ठीक है, प्लेस तो मैं हो गया, लेकिन प्लेसमेंट के बाद क्या मेरे पास और भी कोई अपॉर्चुनिटी है? यार जब हम बी में एडमिशन लेते हैं तो हमारा पॉइंट क्लियर होता है इनिशियलिटी, एक तो हमको जॉब चाहिए होती है वो पॉइंट तो रहता है. और इसके साथ में दूसरा पॉइंट रहता है कि हम इंजीनियरिंग करने के बाद इंजीनियर बन के बाहर निकलेंगे, हम कुछ नई चीजें करेंगे, हम कुछ नया डेवलपमेंट करेंगे. और रिसर्च और डेवलपमेंट अगर आज आपको इंडिया में करना है तो उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको IIT को करता है. अगर आप IIT में एडमिशन लेते हो तो यू हैव द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू डू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो यदि आपको कुछ नया करना है, कुछ इनोवेटिव करना है, कुछ रिसर्च करनी है, कुछ प्रोडक्ट डिजाइन करने हैं, यू हैव टू गो इन IIT. ठीक है, दैट पॉइंट वी डोंट. बियॉन्ड दैट अगर आप IIT में एडमिशन लेते हो तो और क्या अपॉर्चुनिटी आपके पास में? दूसरी अपॉर्चुनिटी है यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर. आज से 20 साल पहले अगर हमको एंटरप्रेन्योर बनना था तो हमारे पास ये ऑप्शन था कि हमको MBA करना पड़ेगा. लेकिन अगर आज आप देखो तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको सिर्फ MBA करना पड़ेगा जरूरी नहीं. आज कितने IIT ग्रेजुएट्स हैं, NIT ग्रेजुएट्स हैं जो
एंटरप्रेनर हैं वो बिग कंपनीज में सीईओ है। लिस्ट बहुत लंबी है और सारी लिस्ट में आपके सामने अभी बोल नहीं पाऊंगा, हाँ लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बिल्कुल बोलता हूं। आज गूगल सीईओ सुंदर पिचाई आईआईटी खड़गपुर, फ्लिपकार्ट हम सब यूज करते हैं, सचिन बंसल आईआईटी दिल्ली, इंफोसिस कौन नहीं जानता, नारायण मूर्ति आईआईटी कानपुर, ये तो हम कुछ प्रोमिनेंट लोगों की बात कर रहे हैं और प्रोमिनेंट बहुत सारे हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, हम सबको डिस्कस यहां पे कर नहीं सकते। मैं आपको एक पॉइंट ये बोलता हूं कि अगर आपके अंदर एंटरप्रेन्योर बनने की तमन्ना है तो वो फुलफिल हो सकता है इफ यू गोइंग इन द आईआईटी एंड आईएससी, और अगर आपके अंदर एंटरप्रेन्योर बनने की तमन्ना है तो उसके लिए दूसरे भी ऑप्शंस हैं बॉस, वो भी हम अभी इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि एंटरप्रेन्योर बनना है तो मेरे को सिर्फ आईआईटी और आईएससी जाना है, गेट की प्रिपरेशन आपके लिए एंटरप्रेन्योर बनने का ऑप्शन ओपन करती है, कैसे करती है वो अभी आगे डिस्कस। चलिए, दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन ऑब्टेन व्हेन यू गेट द एडमिशन इन आईआईटी। ऑलमोस्टली एवरीबॉडी इज प्रिपेयरिंग आइदर टू गो इन आईआईटी और टू गेट अ जॉब इन द पीएसयू। PSU इतना वेल नोन फिनोमिना है कि मैं बहुत ज्यादा उस पर आपको लेक्चर नहीं दूंगा, हर बंदा जो गेट की तैयारी कर रहा है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो PSU, उसको IOCL NTPC BPCL में जॉब चाहिए, इस कारण वो PSU की तैयारी कर रहा है, तो PSU एक ऑप्शन है दैट एवरीबॉडी यूज। बट एज आई सेड इनिशियली माय लेक्चर इज नॉट ओनली डिपेंडेंट कि भैया आपको गेट क्वालिफाई करके क्या मिलेगा, मेरा लेक्चर इस बात पर भी निर्भर है कि गेट की प्रिपरेशन करके आपको क्या मिलेगा। अब हम आते हैं उस बातों पे कि गेट की प्रिपरेशन तो कर ली सर, गेट नहीं निकला, 10 लाख लोग गेट की प्रिपरेशन करते हैं, उनमें शायद 4,000-5,000 लोग ही आईआईटी का पीएसयू में पहुंच पाते, वॉट अबाउट द रेस्ट। सर हमने गेट क्वालिफाई नहीं किया, हम तो बेवकूफ बन गए। दोस्तों अगर आपने ईमानदारी से गेट की प्रिपरेशन की आप बेवकूफ बिल्कुल नहीं बने। सर हमारा तो आईआईटी जाना था, पीएससी जाना था, पहुंच नहीं पाए, क्या फायदा हुआ इस प्रिपरेशन का। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्या फायदा हुआ। दोस्तों हम जब एडमिशन लेते हैं इंजीनियरिंग में तो ठीक है, दो बातें हमारे दिमाग में होती है, एक तो ये कि एडमिशन ले लिया है अब प्लेसमेंट हो जाएगा, जॉब लग जाएगी, ये एक तो पॉइंट रहता है आई नो, लेकिन इसके बियॉन्ड भी पॉइंट होता है, इसके बियॉन्ड भी पॉइंट होता है कि यार मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, आई शुड बिकम अ मैकेनिकल इंजीनियर। लेकिन जब मैं एडमिशन लेता हूं, जब मैंने एडमिशन लिया फर्स्ट सेमेस्टर में, मैंने सब्जेक्ट को समझने की कोशिश की, मार्क्स नहीं आए, सेकेंड सेमेस्टर में फिर मैंने सब्जेक्ट को समझने की कोशिश की, फिर भी मार्क्स उतने नहीं आए, थर्ड सेमेस्टर पहुंचा तो मैंने ये रियलाइज कर लिया कि भैया अगर हमें मार्क्स स्कोर करना है तो उसके लिए ये जो यूनिवर्सिटी का सिस्टम है उसमें सब्जेक्ट को समझने की जरूरत नहीं है, उसमें रिक्वायर्ड है कि आप फॉर्मूला मगअप करो, आप डेफिनेशन मगअप करो, बिना समझे आप डेफिनेशन को एग्जाम में लिख कर आओ, यू विल गेट अ गुड मार्क्स, और अल्टीमेटली जब नंबर नहीं आते तो मम्मी पापा भी फोन करते हैं, क्या कर रहा है भाई तू, पढ़ाई नहीं कर रहा क्या, जब भी कम तो लोग सब्जेक्ट समझने के बाद में पहला पॉइंट है कि हम पहले नंबर लें, तो हमारा फोकस जो सब्जेक्ट को समझने पे होता था वो उसकी जगह सब्जेक्ट को मगअप करने पे चला जाता। दोस्तों जब मैंने गेट की तैयारी शुरू की, देन आई कम टू नो व्हाट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जब मैंने गेट की तैयारी शुरू की तो मुझे समझ में आ गया कि भैया ये एक एग्जाम है जिसको बिना सब्जेक्ट को समझे क्वालिफाई नहीं किया जाता। तो जो मेरा ईगरनेस था, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम के चक्कर में दबा हुआ था, जब मैंने गेट की तैयारी करना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि बॉस गेट का एग्जाम निकालना है, सब्जेक्ट को पहले समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, डीप में जाना पड़ेगा,
अपॉर्चुनिटी मुझे मिली जब मैंने गेट की तैयारी शुरू की। चलिए, अगर आपने ईमानदारी से गेट की तैयारी की है, मैं आपको ये कहता हूं आप सब्जेक्ट को समझ सकते हो, आपका माइंड जो है वो ओपन होता है। और जो है मैंने पहले डिस्कस किया था कि अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो जरूरी नहीं है कि आप आईआईटी में जाओ। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मेरी पहली रिक्वायरमेंट है कि मेरा ब्रेन नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए, मेरा ब्रेन जो है वो मेमोरी डिवाइस नहीं होना चाहिए, मेरा ब्रेन जो है वो लॉजिकल होना चाहिए। और यदि मेरा ब्रेन लॉजिकल है देन आई कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर। एक नैरो माइंडेड अप्रोच सिर्फ मेमोराइज बिना समझे अगर मैं एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करूंगा दोस्तों, मुझे नुकसान होगा, मैं एंटरप्रेन्योर नहीं बनूंगा। आज हम जब एंटरप्रेन्योर बनने की बात करते हैं, हम देखते हैं वो सक्सेसफुल हो गया, वो सक्सेसफुल हो गया, चलो हम भी अपना वेंचर स्टार्ट करते हैं। बॉस, वेंचर आप किसी को देख के स्टार्ट नहीं कर सकते। कोई भी वेंचर आपको स्टार्ट करना है, कोई भी बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, यू हैव टू प्लान इट। और उस प्लान करने के लिए आपका ब्रेन जो है वो ओपन होना चाहिए, इट कैन नॉट बी नैरो माइंडेड। जैसा मैंने कहा कि भैया आप आईआईटी नहीं पहुंचे, पीएसयू नहीं पहुंचे, लेकिन अगर आपने ईमानदारी से गेट की तैयारी की तो आपने अपने दिमाग का यूज किया, आपने अपने दिमाग को लॉजिकली यूज किया, उसको एज अ मेमोरी डिवाइस यूज नहीं किया। और जब आप अपने दिमाग का यूज करते हो तो वो ओपन होता है। एंड द फर्स्ट थिंग विच इज रिक्वायर्ड टू बी एंटरप्रेन्योर इज द ओपन माइंड। आपका दिमाग ओपन होना चाहिए। और मैं दोस्तों कहता हूं कि मैंने आईआईटी से एमटेक किया, ठीक है, लेकिन मुझे आज अपनी जिंदगी में मैं ये कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन सी चीज दी, सबसे ज्यादा बेनिफिट मुझे दिया अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट जो मेरे को गेट की प्रिपरेशन के दौरान मिली। मेरी लाइफ में अगर मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अचीवमेंट जो था वो था अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट। और वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट ये है कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। गेटमेंटर हमने स्टार्ट किया था, बहुत कम स्टूडेंट थे। आज छत्तीसगढ़ में वी आर द नंबर वन इंस्टीट्यूट, और मैं आपके सामने खड़ा हूं, वी विल बिकम अ नंबर वन इंस्टीट्यूट इन इंडिया इन मैकेनिकल। एंड दैट कॉन्फिडेंस गिव्स व्हेन यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। वो कॉन्फिडेंस नहीं आता बॉस जब तक आप मकते हो, वो कॉन्फिडेंस मुझे मिलता है जब मैं सब्जेक्ट को समझता हूं। जब मैं एक बार मैकेनिकल इंजीनियरिंग को समझता हूं तो फिर मैं बाकी सब्जेक्ट को भी समझने की कोशिश करता हूं। तो ये जो डर कि यार हमारा आईआईटी में नहीं हुआ, पीएसयू में नहीं हुआ, अब क्या करें, भैया अगर आपने सब्जेक्ट को समझा है आप बहुत कुछ कर सकते। तो ये एक पॉइंट हो गया अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट। शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे नहीं यार हमको एंटरप्रेन्योर बनना ही नहीं, हमको तो बस जॉब चाहिए, हमको एक कूल लाइफ चाहिए। दोस्तों अगर आपने गेट की तैयारी ईमानदारी से की है तो भले आप आईआईटी में ना पहुंचो, पीएसयू में ना पहुंचो, यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू गेट द ऑफ कैंपस जॉब्स। ठीक है, आपने गेट क्वालिफाई कर लिया, और ऑलमोस्ट बहुत सारे बंदे गेट क्वालिफाई कर लेकिन वो गेट क्वालिफिकेशन इतना सफिशियंट नहीं होता कि हम आईआईटी में और पीएसयू में पहुंचे। लेकिन अगर आपने गेट क्वालिफाई किया, उसको आपने सीवी में डालते हो, आपके सीवी को स्ट्रॉन्ग करता है। दैट गिव्स वेटेज टू योर रिज्यूमे, दैट गिव्स वेटेज टू योर रिज्यूमे। आज आप लिख के जाओगे यार मेरे को सर 80% नंबर आया यूनिवर्सिटी में, वो कंपनी वाले इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि जितने सीवी उनके पास में आते हैं ना, जितने सीवी उनके पास में आते हैं सबके 80% होते हैं, 85%। लेकिन जब आप लिखते हो यार मैंने गेट क्वालिफाई किया, इतना परसेंटाइल है, इतना मेरा स्कोर है, तो एक वेटेज आता है, इतना ऑल इंडिया रैंक है आपका, जो भी ऑल इंडिया रैंक है वो आपको रिप्रेजेंट करता है। तो ठीक है, यू डोंट वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, यू वांट टू गेट द जॉब, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ आईआईटी में, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ पीएसयू में, लेकिन अगर आपने गेट क्वालिफाई भी कर लिया
और मैं इतना कहता हूं कि जो भी बंदा ईमानदारी से गेट की प्रिपरेशन करेगा वो एटलीस्ट गेट क्वालिफाई करेगा, और गेट क्वालिफाई किया वो आपके रिज्यूमे को वेटेज देता है। चलिए, नहीं सर हमको प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना, हमको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, ये फिलॉसफी भी होती है। और गवर्नमेंट जॉब तो सर मैं IOCL NTPC जाना है तो तुम्हें PSU जाना पड़ेगा, मेरे को गेट निकालना पड़ेगा। नहीं निकला गेट, कोई बात नहीं, इसके बाद और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिनका पैटर्न गेट पे बेस्ड होता है। अगर आपने गेट की तैयारी ईमानदारी से की, दोस्तों मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि आपने गेट की तैयारी ईमानदारी से की, ईमानदारी से मतलब आपने पॉजिटिव एनर्जी के साथ तैयारी की है, माइट भी कोई कारण होगा कि आप गेट नहीं निकाल पाओगे, गेट में आपकी रैंक कम हो गई होगी, शायद आपकी तबीयत खराब हो जाए, कोई भी कारण हो सकता है, गेट सिर्फ एक पेपर है। लेकिन अगर आपने गेट की तैयारी ईमानदारी से की है तो यू हैव द वेरियस ऑप्शन जो कि आपको गेट के एग्जाम के बाद मिल सकते हैं। इसरो, DRDO, BARC, SAIL, NNDC, MPCL, इस बोर्ड में इतनी जगह थी, इसके ज्यादा मैं लिख नहीं पाया, बाकी ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अगर आप गेट नहीं निकाल पाए तो कहीं से भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं, अगर आपने तैयारी ईमानदारी से की है, गेट के बाद इतने सारे एग्जाम होते हैं, आप कोई भी दूसरा एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। और द लास्ट थिंग जो अगेन मुझे लगता है कि इंडिया में इस चीज की बहुत कमी है, सेल्फ डिपेंडेंसी। हम देखते हैं यूएस में एक 12 साल का बच्चा होता है, 15 साल का बच्चा होता है, वो सेल्फ डिपेंडेंट होता है, लेकिन इंडिया में हम देखते हैं कि 30 साल का बंदा भी अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है। दोस्तों अगर आपने गेट की तैयारी ईमानदारी से किए तो आपकी डिपेंडेंसी आपके पेरेंट्स तक सिर्फ 8 सेमेस्टर तक रहेगी। अगर आपने गेट में अच्छा स्कोर कर लिया, आप PSU IIT में एडमिशन ले लो, NIT में एडमिशन ले लो, NIT में एडमिशन लिया तो वहां पे भी आप NIT में एडमिशन ले सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। चलिए, अगर आप किसी रीजनल कॉलेज में भी एडमिशन लेते हो तो वहां से आप MTech कर सकते हो, आपको स्टाइपेंड मिलता है, तो आपकी डिपेंडेंसी जो है वो आपके पेरेंट्स पे खत्म होती है। अगर आपका PSU में सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं हुआ तब भी मैं कहता हूं कि अगर आपने ईमानदारी से गेट की प्रिपरेशन की है तो आपकी डिपेंडेंसी आपके पेरेंट्स पे खत्म होगी। जैसा मैंने पहले डिस्कस किया, गेट निकाल लिया, आप जा सकते हो IIT, आप जा सकते हो PSU। IIT PSU नहीं निकला, उसके 6 महीने के अंदर बहुत सारे एग्जाम होते हैं, वो सारे एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हो, और मोस्टली अब जो पैटर्न है इन सारे एग्जाम का वो ऑलमोस्ट गेट के एग्जाम जैसा है, तो अगर आप गेट नहीं निकाल पाए तो आप इन एग्जाम को निकाल सकते हो। गेट की तैयारी अगर आप ईमानदारी से करोगे तो मैं आपको कहता हूं कि प्रिपरेशन एंड होने के बाद अगर आपका PSU में सिलेक्शन हो भी जाए ना, तब भी आपके अंदर एक ईगरनेस होगा कुछ नया करने का। और गेट की प्रिपरेशन अगर आपने ईमानदारी से की है, जैसा मैंने आपको क्लियर किया कि आपका वो माइंड को ओपन करता है, यू हैव द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। इफ यू डोंट वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर देन अगेन यू हैव द ऑप्शन कि भैया आप गेट क्वालिफाई भी कर लियो तो वो भी आपके CV को वेटेज देता है। सो अल्टीमेटली माय पॉइंट इज दैट कि दोस्तों अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ एक पेपर निकालने के लिए मत करो। जब आप सिर्फ इन दो चीजों को देखते हो कि IIT और PSU, तब आपकी जो प्रिपरेशन होती है वो निगेटिव एनर्जी के साथ में होती है, तब आप सोचते हो कि ये पेपर निकालना ही मेरा ऑब्जेक्टिव था। लेकिन मेरे लेक्चर का ऑब्जेक्टिव आपको यह बताना था कि पेपर निकालना आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, अगर आपने गेट की प्रिपरेशन ईमानदारी से किए तो आपके पास वेरियस ऑप्शन, दैट इज द पॉइंट दैट आई वांट टू डिस्कस इन दिस लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस हाउ टू क्रैक गेट। थैंक यू।